बीमारी की दुआ। मस्जिद सामने का अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारी आबादियां हर दिन नई नई बीमारियों की जद में आती रहती है, लातादाद लोग बीमार होते हैं, बहुत से लोग अस्पतालों के चक्कर लगाते रहते हैं और लाखों रुपया इलाज मुआलजे पर खर्च किए जाते हैं। मैं आज आप हजरात की खिदमत में एक दुआ शेयर कर रहा हूँ। ये दुआ हर बीमारी से आपकी हिफाजत के लिए इंशाअल्लाह ताला काफी साबित होगी। मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन कामिल है कि अगर आप इसे याद कर लेंगे तो हर तरह की बीमारियों से महफूज रहेंगे। सुनिए और याद कर लीजिए। اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. مسجد صاحب نے کہا اسے یاد کر لیجئے اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ اے اللہ میں برص جنون کوڑ اور ہر بری بیماری سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اسے سورہ نسائی نے روایت کیا ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اخوکم فی اللہ محمد عاقل جدہ مملکت سعودی عرب.